अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि डेटा की टाइप्स कितनी है और किस किस्म का डेटा हमारे पास पाया जाता है और डेटा को मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं या डेटा को मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं या डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर्स को अपनाते हैं आपके पास फाइनल फॉर्मेट डेटा की कौन कौन सी होती है। लेट्स जंप इनटू इट। आपके सामने ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं हम डेटा की कौन कौन सी कितनी टाइप्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगर देखा जाए तो लेवल्स, मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ, लेवल्स ऑफ ऑफ मेजरमेंट, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स जो होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं, हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेवल ऑफ मेजरमेंट्स को देखते हुए आपको कई चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं आपके सामने दिखाता हूं कि चार किस्म के बेसिकली लेवल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। अब हम देखते हैं कि ये चार किस्म के जो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हैं वो किस तरीके से हमारे पास पाए जाते हैं। सबसे पहला लेवल ऑफ मेजरमेंट जो होता है हमारे पास वो होता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल। दूसरा होता है हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल। तीसरा जो हमारे पास होता है वो है इंटरवल स्केल। थर्ड वन इज इंटरवल स्केल। और चौथा जो है हमारे पास वो है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल। अब ये चार किस्म के लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं हमारे पास और हमें इन चार किस्म के लेवल ऑफ मेजरमेंट्स की बेस पे कोई भी डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं और किसी भी डेटा की हम जिस्ट जो है उसको तलाश करते हैं। अब ये क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं और कैसे हम इनको यूज करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज, लेवल ऑफ मेजरमेंट को समझने के लिए आपको ये चार लेवल ऑफ मेजरमेंट जरूर सीखना होते हैं जब भी आप कहीं पे काम करते हैं। मैं पहले दो के एग्जांपल यहां पे रखता हूं, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल की, और मैं इसको यहां पे पेस्ट करता हूं आपके सामने, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। ये है जनाब नॉमिनल स्केल और दूसरा है ऑर्डिनल स्केल। अब हम इसकी बात करते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि नॉमिनल स्केल सबसे बेसिक लेवल का मेजरमेंट स्केल है। इसमें डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है लेकिन इन कैटेगरीज में कोई न्यूमेरिक ऑर्डर या वैल्यू नहीं होती, यानी कि कैटेगरीज होती हैं इनमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती। न्यूमेरिक वैल्यू से मुराद ये होता है कि नंबर्स नहीं होते, 2, 3, 5, 7, 8 ऐसे नहीं होता। आपके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज होती हैं, खास तौर पे कैटेगरीज। और इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर हम इसको देखा जाए कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती तो इसका मतलब है कोई कैटेगोरिकल वैल्यू होती है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सर्वे में लोगों की नेशनैलिटी या उनका प्रोफेशन पूछा जाता है, पाकिस्तानी, इंडियन, या अगर आप कहें कि उनका प्रोफेशन टीचर है या डॉक्टर है, तो ये जो चार एग्जांपल्स हैं आप इसे कह सकते हैं कि दीज आर नॉमिनल स्केल मेजरमेंट। अगर आप किससे पूछते हैं कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, वो कहता है पाकिस्तान नी, तो आप कहेंगे कि ये इसका नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है। और डेटा आपके पास जब आप स्टोर करते हैं तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पहले पर्सन से पूछा, दूसरे से, तीसरे से, आप फिर उनका कॉलम बनाते हैं और यहां पे हर किसी की नेशनैलिटी लिखते जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेजर द डिफरेंट काइंड ऑफ नॉमिनल स्केल। अब नॉमिनल स्केल के अंदर किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, नॉमिनल स्केल को डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डेटा सॉर्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, कैटेगराइजेशन के लिए यूज किया जाता है, और इसका इस्तेमाल कस्टमर सेगमेंटेशन या डेमोग्राफिक्स के स्टडीज में भी होता है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स आप जब बनाते हैं समथिंग लाइक दिस, तो आप क्या करते हैं, बार प्लॉट या किसी किस्म का भी प्लॉट जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, आप इस तरीके से उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और इवन दो आप उनको डिफरेंट कलर्स के बार प्लॉट्स के अंदर भी शो करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहले बनाया रेड और दूसरा ग्रीन बनाया। अगर यहाँ पे रेड का मतलब फॉर एग्जाम्पल वो लोग हैं जिनको बिरयानी तीखी पसंद है और ग्रीन मतलब वो लोग हैं जिनको बिरयानी जो है वो तीखी पसंद नहीं है, तो ये दो कैटेगरीज हमारे पास आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की।
ऑर्डिनल स्केल के अंदर डेफिनेशन जो है बेसिकली ऑर्डिनल स्केल में डेटा कैटेगरीज में होता है, इसमें भी डेटा कैटेगरीज में होता है, लेकिन कैटेगरीज में एक स्पेसिफिक ऑर्डर या सीक्वेंस होती है, ठीक है। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सर्वे किया, सर्वे में लोगों से पूछा कि उनकी एजुकेशन का लेवल क्या है, और इनसे ये भी पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल उनकी एजुकेशन का जो लेवल है उसमें वो किस किस्म के ग्रुप्स के अंदर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक जो है सबसे पहले आएगी, फिर इंटरमीडिएट, फिर बैचलर्स, फिर मास्टर्स एंड देन पीएचडी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले बंदा जो है वो मास्टर कर लेता है, फिर बैचलर करता है, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिक। सो यू हैव टू स्टार्ट विद मैट्रिकुलेशन एंड देन इंटरमीडिएट, देन बैचलर एंड देन मास्टर्स। और यहाँ हर कैटेगरी का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। अगर ऑर्डर नहीं होगा इन कैटेगरीज में तो इसका मतलब है कि उनका ऑर्डिनल स्केल नहीं है। इसके एक और मिसाल मैं दे देता हूं। आपके क्लास में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया एंड थर्ड कौन आया, ये तीन चीजें एक ऑर्डर में ही गिनी जाती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का एक ऑर्डर है, ठीक है। अब इस ऑर्डर को अगर आप सेकंड फर्स्ट थर्ड कर देंगे, इट डजंट मेक सेंस। ये वही मिसाल है कि अगर आपके पास एक आपने कंपटीशन करवाया है तो ये फर्स्ट की प्लेस होगी, ये सेकंड की होगी और ये थर्ड की होगी, और यहाँ पे आप स्कून के साथ उन लोगों को जो विनर्स हैं वो यहाँ पे आप खड़े कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और आप कभी भी नहीं कह सकते फर्स्ट थर्ड और सेकंड, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द ऑर्डर, राइट। अब ये होता है जी ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस के अंदर कहां पे यूज होता है, डेटा को रैंक करने के लिए, ऑर्डर में रखने के लिए, या इसको इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे के अंदर। आपने देखा होगा अक्सर औकात आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आपके पास इस तरीके से तीन से पांच कैटेगरीज होती हैं, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। आप कस्टमर से पूछते हैं कि हमें रेटिंग दें, पहले का मतलब है बहुत ही गंदी रेटिंग है, ठीक है, वर्स्ट रेटिंग। फिफ्थ का मतलब है बेस्ट रेटिंग, तो वो आपको या तो तीन देते हैं, चार या पांच। तो फॉर एग्जांपल अगर वो फोर पे क्रॉस लगाते हैं कस्टमर्स, तो इसका मतलब है कि आपकी कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, या आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को बहुत पसंद आई है। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स, जिसमें हमने नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स को देखा है। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स को हम कैटेगोरिकल स्केल्स भी बोलते हैं, यानी कि ये कैटेगोरिकल स्केल्स भी हैं, कैटेगोरिकल स्केल्स। और इसी कैटेगोरिकल स्केल्स को हम खास तौर पे जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी बोला जाता है, यानी कि जो डेटा आप कैटेगरीज के अंदर कंडक्ट करते हैं उसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं ना के नंबर होते हैं। मतलब इसमें दो चार छः ऐसे नहीं होगा, इसमें होगा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, या आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होगा जिसके थ्रू आप किसी चीज को मेजर करेंगे। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, सम अदर थिंग्स कैन ऑल्सो बी देयर। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये तो 1 2 3 4 5 ये तो नंबर ही है ना, तो आपने बोला नंबर नहीं है, हमने असल में गुड बेटर बेस्ट वाली टेक्निक को लगा के उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया है फॉर सर्वे कलेक्शन, फॉर आर ईज। अब इस ईज को मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। यहां पे अब आपको समझ आ गई होगी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉमिनल स्केल क्या होता है और ऑर्डिनल स्केल क्या होता है। अब यहां पे वेरिएबल की अगर बात की जाए, मैं यहां पे अगर लिखूंगा ना नेशनैलिटी, नेशनैलिटी, और मैं अपने कस्टमर से उनकी नेशनैलिटी पूछता हूँ, 1 2 3 4 5 के मेरे पास कस्टमर्स हैं, इन सभी की नेशनैलिटी जब मैं पूछूंगा, इसकी पाकिस्तान है, इसकी बांग्लादेश है, इसकी इंडिया है, इस कस्टमर की यूएसए है, इसकी कस्टमर की जर्मनी है, सो दैट मींस ये जो नेशनैलिटी का कॉलम है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है इसमें डेटा टाइप कैसी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर इसमें पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, और यहां पे आप कह दें यूएसए की नेशनैलिटी है, और यहां पे जर्मन है, तो दैट मींस कि ये जो पांच नेशनैलिटीज हैं, ये डेटा जो है ये बेसिकली नॉमिनल स्केल का डेटा है, और नॉमिनल क्योंकि कैटेगोरिकल वेरिएबल है इस वजह से हम नेशनैलिटी के कॉलम को वेरिएबल बोलते हैं। और कौन सा वेरिएबल बोलते हैं, कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल वेरिएबल।
और इस वजह से कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास नॉमिनल स्केल है, हमारे पास ऑर्डिनल स्केल है, और इन दोनों को हम जब भी मेजर करते हैं या हमारे पास जब भी डेटा आता है तो उसे कैटेगोरिकल डेटा बोला जाता है। और ये नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल में थोड़ा सा फर्क क्या है, ऑर्डर का फर्क है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी होपफुली, अगर समझ आ गई है दैट्स ग्रेट, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर समझ नहीं आई देन वी कैन टॉक अबाउट इट मोर इन लेटर वीडियोस। अपना ख्याल रखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।